गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा कि स्केल ऑफ कॉर्ड क्या चीज़ होता है, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं और इसका जो एप्लीकेशन है, मतलब कौन से चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। और इसका जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ये भी आज के वीडियो में आपके सामने कवर करूंगा। इसका मतलब क्या होता है स्केल ऑफ कॉर्ड? अगर आपको कोई भी एंगल मेजर करना है, अगर मैं बोलता हूँ आपको कि आपको 65, और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 60 डिग्री एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है विदाउट यूजिंग द प्रोटेक्टर, समझ में आ रही बात? विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर अगर आपको 60 डिग्री शो करना है, तो उसके लिए स्केल ऑफ कॉर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है। तो इसका आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा, किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है और किस तरह से आप एंगल इससे मेजर कर सकते हो, यही आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा गाइस, देख लीजिए, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। देख लीजिए, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है और इस लाइन के ऊपर कहाँ भी एक आपको बिंदु और एक आपको पॉइंट लोकेट करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक एनी पॉइंट ले लेता हूँ जिसका नाम लेता हूँ ए। अभी क्या करना होगा मुझे, ये जो मेरे पास अभी कंपास है, इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, ए पे मेरा जो आयरन वाला जो लेग है वो ए पे रखूँगा और जो पेंसिल वाला लेग है वो नेक्स्ट साइड पे रखूँगा और एक मार्क कर लूँगा एट एनी डिस्टेंस। ठीक है गाइस, एट एनी डिस्टेंस को मार्क करके लेना है। अभी मुझे ये दो मिला है पॉइंट जिसको मैं नेम दूंगा ए डैश और बी डैश दूंगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, ए डैश पे रखूँगा मेरा प्रोटेक्टर और सॉरी मेरा डिवाइडर में ए पे रखूँगा और हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लूँगा गाइस। ऊपर एक काप ऊपर एक मैं डिस्टेंस लूँगा और ऊपर एक मार्क करूँगा और उसका नीचे एक मार्क करूँगा, वही डिस्टेंस एज इट इज रखने के बाद एक नीचे करूँगा और वैसा एक ऊपर करूँगा। आपको पता है डिवाइड करना है मुझे लाइन, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक प्रॉपरली एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। तो ये हो गया डायरेक्टली, ये चीज़ को 90 डिग्री में डिवाइड किया हुआ मैंने एक लाइन यहाँ पे बना दिया है। तो चलिए फिर गाइज, आपको ये समझ में आया रहेगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। ये जो लाइन बनाया है ये मैंने डायरेक्टली 90 डिग्री में ये लाइन को क्या कर रही है गाइस, डिवाइड कर रही है। समझ में आ गया? तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपको दिखाता हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला क्या हो गया गाइस, ये हो गया, ये मुझे ए पॉइंट यहाँ पे मिल गया है। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास डिवाइडर है तो मैं उसका जो आयरन वाला जो साइड है वो ए पे रखूँगा और एट एनी डिस्टेंस मैं एक मार्क करके लूँगा। समझ में आ गई बात? एट एनी डिस्टेंस गाइज मैं एक मार्क करके लूँगा, कौन सा भी डिस्टेंस, कितने भी डिस्टेंस का कोई पॉइंट लेना है, इसको मैं नाम दे दूंगा गाइज यहाँ पे मुझे बी देना है। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो वर्टिकल लाइन आया था, मैं क्या करूँगा इसके ऊपर ए और बी इतना डिस्टेंस लूँगा और ये जो वर्टिकल लाइन मैंने निकाला था गाइज, देख लीजिए पहले प्रीवियस में जो वर्टिकल लाइन निकाला था मैंने, उसके ऊपर मैं इसको लेके जाऊँगा। समझ में आ गया बात? समझ में आ गया, यही आपको करना है। तो चलिए फिर इसको मैं अभी डार्क करके लेता हूँ, बराबर है, मेरे पास जो नेक्स्ट मार्कर है उसकी सहायता से मैं इसको डार्क करके लेता हूँ। सो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हाईलाइट करके यहाँ पे दिखनी चाहिए, इसलिए मैं उसको क्या कर लूँगा गाइज, मार्क कर लूँगा। तो ये एक मुझे सेक्टर मिल गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ए बी नाम दे दिया, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा गाइज, सी ये नाम यहाँ पे मैंने दे दिया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। आपको सभी को पता है गाइज, ये जो यहाँ पे एंगल है, ये जो यहाँ पे एंगल दिख रहा है गाइज, ये कितने का है, 90 का है, बराबर है। सो अभी मुझे ऐसा स्केल बनाने का है जो 90 है उसको मैं 10 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करूंगा, तो ये जब मैं कैंसिल हो जाएगा तो मुझे 9 यहाँ पे मिलेगा। तो मतलब क्या, ये जो सेक्टर है, ये जो यहाँ पे आ रखे है, उसको 9 पार्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा गाइज, डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं मिनिमम 10 डिग्री तक यहाँ पे मैं मेजर कर सकता हूँ, बराबर है। मिनिमम 5 डिग्री तक भी मेजर हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मिनिमम 10 डिग्री तक यहाँ पे मैं मेजर कर सकता हूँ ये स्केल के अंदर, बराबर है। तो चलिए फिर मैं क्या करता हूँ, ये जो आर्क है, आर्क को 10 इक्वल पार्ट के ऊपर मुझे डिवाइड करना होता है। उसके लिए मैं क्या करूँगा गाइस, देख लीजिए, ए भी इतना डिस्टेंस लेना है मुझे और मैं यहाँ पे एक मार्क कर लूँगा, बराबर है, और फिर से ए से जितना डिस्टेंस के ऊपर लूँगा और जो मेरा आयन वाला टोक आयन वाला जो साइड है वो सी के ऊपर रखूँगा और यहाँ पे एक
मार्क कर लूंगा, बराबर है। सो ये जो पॉइंट मुझे दो यहाँ पे मिले हैं, इसको मैं क्या कर दूंगा गाइस, ज्वाइन कर दूंगा। आराम से समझना है, कोई यहाँ पे आपको घाई नहीं करना है। सो 90 को मैंने 3 में अभी डिवाइड किया है, इसका मतलब क्या है, 90 को मैंने 3 में डिवाइड किया है, सो 30 30 30 में हो गया। तो बट मुझे कितने में डिवाइड करना था गाइस, 9 में डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या है, जो एक 30 वाला पार्ट है उसको जब मैं 3 में डिवाइड करूँगा तो 3 थ्री ज़ा मुझे क्या आ जाएगा गाइस, 9 आ जाएगा। तो जो मेरा आर्क है BC वो 9 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए एक प्रॉपर मेथड है, तो चलिए फिर आपको मेथड समझाता हूँ कि ये एक जो पार्ट है 30 डिग्री वाला, सो इसको मैं साइड में लेके कैसे डिवाइड करते हैं इक्वल 3 पार्ट में, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते गाइस। देख लीजिए गाइस, वो ही सिमिलर पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, अभी इसको मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। ये पार्ट कहाँ से आया देख लीजिए यहाँ पे, ये जो ABD है यही मुझे एज इट इज़ यहाँ पे रखना था। अभी मुझे ये पार्ट को कितने में डिवाइड करना है गाइस, 3 पार्ट में मुझे यहाँ पे उसको डिवाइड करना है। चलिए फिर ये स्टेप चालू करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो ये जो एंगल है 30, इसके बीच में कितना एंगल आपको पता है 30, इसको पहले 15 15 में डिवाइड करना था। आपको पता है एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए आपको एट एनी डिस्टेंस यहाँ पे एक मार्क करना होता है, यहाँ पे एक मार्क करना होता है, वही मार्क लेके यहाँ पे एक मार्क करने, यहाँ पे एक मार्क करो और यहाँ पे एक मार्क करो, और ये जो यहाँ पे एक पॉइंट मिला है इसको, इसके अंदर से एक लाइन आपको निकालना होता है। तो ये एंगल बाइसेक्ट हो गया गाइज यहाँ पे। अभी एंगल बाइसेक्ट होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, समझ में आ गया। एंगल बाइसेक्ट होने का यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ ये पॉइंट को, ये पॉइंट को मैं मानता हूँ आर, समझ में आ गया। ये पॉइंट हो गया मेरा आर। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है गाइज, आर हो गया, अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करूँगा, एट एनी मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, एट एनी एंगल आपको एक लाइन यहाँ पे क्या करनी है गाइज, ड्रॉ करनी है, समझ में आ गई ये चीज़। एक एनी एंगल आपको अगर एक लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, ये लाइन को 3 पार्ट में, जो मेरे पास जो डिवाइडर है, ये जो लाइन निकला मैंने अभी आर से, अभी इसको रैंडमली मुझे एट एनी डिस्टेंस 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, बराबर है। 1 2 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी जो इसका जो एक लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाला जो आया है और इसका जो है लास्ट वाला ए, उसके साथ मैं ज्वाइन कर दूंगा, समझ में आ गया बात। ये अगर नॉर्मली अगर आपको पता है तो यही वो स्टेप है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रोलर स्केल रखूँगा और नेक्स्ट जो जहाँ पे आया है वहाँ पे मैं ये जो लाइन आई है उसके ऊपर मैं क्या कर दूँगा गाइस, यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा मेरा लाइन, बराबर है। और नेक्स्ट वही सेम स्टेप यहाँ पे करूँगा, और थर्ड के ऊपर लेके जाने के बाद मुझे यहाँ पे ये जो बीच वाला लाइन है 3 डिफरेंट पार्ट के ऊपर मुझे डिवाइड होता हुआ यहाँ पे देख लीजिएगा इस दिखा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे कौन सा है, ये जो मुझे पॉइंट यहाँ पे मिला है, अभी इसके साथ मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करूँगा। अभी मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट आया है अभी इसको डिफरेंट जो आया है ये पॉइंट, अभी देख लीजिए ये पॉइंट आया, उसके बाद मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, समझ लेना इसको मैं ओ बोल रहा हूँ, इसको ये है, तो ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है इसको मैं बोलूँगा ए डैश, समझ में आ गया। अभी ए और ए डैश जो लाइन है उसको मुझे बाइसेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा आयन वाला जो पॉइंट है आधे ज़्यादा डिस्टेंस लेना होता है मुझे, जब भी मैं लाइन बाइसेक्ट करता हूँ तो ऊपर एक मारूंगा और नीचे थोड़ा कम ले लेता हूँ गाइस, थोड़ा ऊपर एक मार दिया नीचे एक मार्क कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही डिस्टेंस आधे लगने के बाद ए पे रखूँगा और यहाँ पे एक मार्क कर दूंगा, और यहाँ पे नेक्स्ट वाला थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ गाइस, यहाँ पे आ जाएगा और ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है। और अभी ये जो मुझे दो पॉइंट मिला है इस पे से और ओ में से जाने वाला, मैं एक यहाँ पे लाइन खींच लूँगा, यहाँ पे एक लाइन खींचने के बाद ये जो मुझे यहाँ पे जो मेरा एंगल था, बराबर है, ये जो मेरा एंगल था गाइस, उसके पास जो मुझे अटैचमेंट यहाँ पे मिला है पॉइंट, उसका ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जो डिस्टेंस दिख रहा है देख लीजिए, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस मुझे आर से लेना है
और मैं क्या करूँगा अभी, जो मेरा कंपास है उसकी मदद से डिस्टेंस लूँगा गाइस। ये डिस्टेंस लेने के बाद, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस लूँगा और ये आर के उस पार मारूँगा गाइस, और आर के इस पार में मारूँगा। सही में आ गया। सो अभी ये जो मुझे मिला है ये क्या हो गया गाइस, डायरेक्टली जो मेरा जो एंगल है वो मैंने 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। अपन टू, और ये जो बचा कुचा था, ये जो मेरा नॉर्मल वाला एंगल था, ये एंगल मुझे यहाँ पे मिल गया। समझ में आया गाइस? तो यहाँ पे देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये सबसे, ये कितना डिस्टेंस हो गया, सबसे बड़ा कितना था गाइस, ये 30 वाला था। उसके बाद ये 10 10 10 में मुझे 3 में मैं यहाँ पे क्या कर दिया गाइस, इसको इंटरसेक्ट कर दिया हूँ। तो यही जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ले लूँगा, और यहाँ पे जो है, ये जो है नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस लेने के बाद, छोटा डिस्टेंस यहाँ पे लेने के बाद मैं यहाँ पे उसके 9 पार्ट कर दूंगा, और इच एंड एवरी पार्ट का जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा आपको पता है गाइस, अभी मैं करूँगा डिवाइडर की मदद से ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ले लूँगा इसके अंदर, ले लिया। अभी यही डिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क करता जाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बचा हुआ हो गया गाइस आपका 9। तो मैंने क्या कर दिया है, इजीली ये जो डिस्टेंस यहाँ पे मुझे मिला था गाइस, ये जो डिस्टेंस है वह मैंने डिवाइडर में माप लिया उतना, तो वही जो है मैं बी पे रखता गया और एंड तक वही डिस्टेंस लेके मैं चला गया हूँ। तो आई होप ये जो BC वाला जो मेरा आर्क था वो 9 पार्ट में यहाँ पे, 9 इक्वल पार्ट में यहाँ पे गाइस क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो यही आपको यहाँ पे चाहिए था। तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होता है आपको दिखाता हूँ मैं। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा गाइस, ये जो BC है उसको मैं क्या कर लूँगा, पहले ज्वाइन कर लूँगा। ये पहले भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। इसको BC को पहले यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगा, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट नेक्स्ट मूव की तरफ बढ़ते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट स्टेप यही करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ये, अभी मैं क्या करूँगा, बी पे रखूँगा और जो पहला जो मेरा मार्क हुआ था उस पे मेरा जो डिवाइडर रखूँगा, और एक यहाँ पे एक सर्कल बना लूँगा, बराबर है। इतना रेडियस उसके अंदर लेने के बाद एक सर्कल बना लूँगा। अभी नेक्स्ट क्या करूँगा गाइस, पहला जो मार्क था उसके ऊपर रेडियस बना लिया, दूसरा मार्क के ऊपर, अभी वही बी बी के ऊपर रखूँगा और नेक्स्ट सेकेंड जो मार्क है उसका डिस्टेंस के ऊपर भरूँगा, और ये यहाँ तक मैं ऐसा रेडियस ले लूँगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा गाइस, ये इतना डिस्टेंस सेंटर सेम है बट रेडियस जो है वो बढ़ता जा रहा है, बराबर है। ये स्टेप यहाँ पे करूँगा और अभी नेक्स्ट की तरफ मूव करूँगा। नेक्स्ट जो मैंने पार्ट यहाँ पे क्रॉस किया था उसकी तरफ मूव करूँगा, और ये मैं यहाँ तक ऐसे लास्ट तक यहाँ पे मैं करता जाऊँगा, बराबर है। अभी ये हो गया गाइस, अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, देख लीजिए पोजीशन, देख लीजिए उसका जो सेंटर सही सेंटर वही है बट रेडियस क्या हो गया, वेरी हो रही है गाइस। यहाँ पे लेके लेके जाऊँगा। तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक लेके जाऊंगा उसको, नेक्स्ट की तरफ लेके जाने के बाद यहाँ पे एक मार्क कर लूँगा। अभी नेक्स्ट और लेके जाऊँगा, नेक्स्ट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो ऐसे ही करते करते मैं नेक्स्ट की तरफ मूव होते जाऊँगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपको दिखाता हूँ। लीजिए गाइस ये ऐसा दिखेगा। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से मार्किंग करना पड़ेगा। ये 0 हो गया, ये हो गया मेरा 10, ये हो गया गाइस 10 के बाद 20 के बाद, ये हो गया गाइस 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री, और ये हो गया गाइस मेरा 90 डिग्री। तो सब चीज़ें यहाँ पे डिग्री में मैंने रिप्रेजेंट कर ली है। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो स्केल है यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ।
चलिए चलिए, अभी नेक्स्ट स्टेप है, सबसे लास्ट वाला स्टेप है ये। ये जो दो पॉइंट है उससे मैं पैरेलल एक लाइन खींच लूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है पैरेलल एट एनी मेजरमेंट आप लाइन का ले सकते हो, और उससे एक मैं एक यहाँ पे स्केल बना लूँगा। समझ में आ गया गाइस, ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। अभी मैं क्या करूँगा, ये चीज़ होने के बाद अभी ये जो यहाँ पे मुझे पॉइंट दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन में यहाँ पे खींचता जाऊँगा जो लाइन मैंने नीचे बनाई है उसके ऊपर। समझ में आया गाइस, अभी ये मेरा हो गया नीचे 1 10 डिग्रीज 20 डिग्रीज 30 डिग्रीज 40 डिग्रीज 50 डिग्रीज 10 20 30 40 50 50 हो गया मेरा 60, ये हो गया मेरा 70, और ये हो गया गाइस मेरा 80 डिग्री। अभी इसको भी यहाँ पे लेना पड़ेगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 90 डिग्री तक मैं यहाँ पे मेजर कर सकता हूँ। तो चलिए फिर यहाँ से भी एक लाइन में यहाँ पे खींच लेता हूँ तो ये यहाँ तक आएगा। बराबर है गाइस, मैं क्या कर लूँगा अभी यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लूँगा, या तो फिर यहाँ से खींच लो या तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे एक मार्क कर लो। तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री वाला लाइन। समझ में आ गया मुझे क्या करना है, ये हो गया मेरा 90 डिग्री वाला, यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया मेरा मेजरमेंट ऑफ 90। बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक मेरा जो प्रोटेक्टर हो जाने वाला नहीं था गाइस, देख लीजिए नहीं जा रहा था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ले लिया। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लेना है। समझ में आ गया बात, तो ये हो गया मेरा स्केल। आई होप गाइस आपको ये सेल स्केल समझ में आ रहेगा। तो चलिए फिर मैं आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ ये कैसे दिखने के बाद, और एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। अगर मुझे ज्वाइन करना है यहाँ पे 60, यहाँ पे मुझे मेजर करना है, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद अगर मुझे यहाँ पे 60 मेजर करना है तो वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 60 डिग्री मुझे यहाँ पे इसके अंदर मेजर करना, मैं क्या करूँगा एक हॉरिजॉन्टल वाला लाइन ले लूँगा गाइस। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान से देखिएगा ज़रा, मैं क्या करूँगा अभी 60 डिग्री मुझे मेजर करना है विदाउट यूजिंग दिस प्रोटेक्टर। विदाउट प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना है, बस ये जो मैंने यहाँ पे स्केल ऑफ कॉर्ड निकाली इसका यूज़ करके ये कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट कर लीजिए, पॉइंट लोकेट कर लिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो कंपास है, बराबर है, मेरे पास जो कंपास है, मैं क्या करूँगा अभी यहाँ से लेके 60 का उसके ऊपर डिस्टेंस ले लूँगा। बराबर है, यहाँ से लेके 60 का डिस्टेंस ले लूँगा, और ये जो मेरा लाइन यहाँ पे खींचा हुआ मैं गाइस यहाँ पे एक एंड पॉइंट ले लूँगा, इसका ए लगता हो ना, हम इसका बी रखता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक ऐसा मार्क कर लूँगा आगे बाद, ऐसा मार्क कर लूंगा यहाँ पे मैं। बराबर है, अभी मैं क्या करूँगा, ये जो ए है ए से 60 का डिस्टेंस ले लूँगा, ए से 60 का डिस्टेंस ले लूँगा, और ये जो बी मेरा बना है उसके ऊपर मैं उसको मारूंगा। वही मैं गया गाइस, ये जो मुझे यहाँ पे जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, ये पॉइंट, और मैं जब इसको ऐसा ड्रॉ कर लूँगा गाइस तो ये एंगल एक्यूरेट मेरा यहाँ पे 60 होगा। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ रहेगा स्केल। अगर किसी को ये वीडियो की डेस्परेटली ज़रूरत है तो वीडियो उसके साथ शेयर करो गाइस, और ऐसे ही करके आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिट यहाँ पे मेजर कर सकते हो विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। बराबर है, तो चलिए फिर दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो, बाय बाय। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय गाइस।